15 जुलाई का दिन भारत के अमिट इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दुनिया एक बार फिर भारत की ताकत का लोहा मानने को मजबूर होगी। आसमान को चीर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ जब चंद्रयान 2 लॉन्च होगा तो वो लम्हा देश के लिए बेहद ही गर्व का लम्हा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये चंद्रयान 2 क्या है और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा मून मिशन है। इस मिशन से पहली बार भारत 3,844 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा की सतह पर लैंडर और रोवर उतारेगा। 15 जुलाई 2019 को तड़के 2:51 पर श्री हरिकोटा से GSLV MK3 रॉकेट चंद्रयान 2 को लेकर चांद की ओर रवाना होगा। ये चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड करेगा। अभी तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास यान नहीं उतारा है। इसके साथ ही भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 2 का वजन 3800 किलो है। ये चांद पर 52 दिन बिताएगा। इस पूरे मिशन पर 1000 करोड़ का खर्च आया है। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह, वातावरण, विकिरण और तापमान का अध्ययन करेगा। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से हैं, लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। लैंडर का काम चंद्रमा पर उतरकर रोवर को स्थापित करना होगा। वहीं ऑर्बिटर अपने 8 पेलोड के साथ चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर और लैंडर धरती से सीधे संपर्क में होंगे तो रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चांद की सतह पर घूम घूम कर मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठे करेगा। चांद पर लैंडिंग के बाद रोवर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 15 से 20 दिनों तक चांद की सतह से डेटा जमा करके ऑर्बिटर तक पहुंचाता रहेगा। ऑर्बिटर उस डेटा को इसरो को भेजेगा। रोवर चंद्रमा की चट्टानों को देखकर उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे आदि खनिजों की तलाश करेगा। साथ ही वहां पानी की मौजूदगी को भी ढूंढेगा। ऑर्बिटर चांद की बाहरी परत की भी जांच करेगा। ये पहला ऐसा अंतर्ग्रहीय मिशन होगा जिसकी कमान 2 महिलाओं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एम विनीता और मिशन डायरेक्टर ऋतु करिधाल के हाथ में है। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है जिसे इसरो ने तैयार किया है। तो आप भी तैयार हो जाइए हर भारतवासी को गर्व का एहसास कराने वाले इस लम्हे को महसूस करने के लिए।